జతులే అయ్యో బ్రహ్మశక్తి ఆ సధ్యా చింతన కమార్ క్రమాంక 814 దిన్ మంగళవార్ తారీఖ 19 దిసంబర్ 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब जो एडिशनल कमिश्नर स्टेटस रिटायर्ड हैं, और आपको जो विषय है वो है सौंदर्य लहरी में विश्व रूप साक्षात द्वेत और बीज मंत्र पार्ट 5। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरण पांडे सर्वप्रथम महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारा ये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे प्रकाश स्वरूप जगत के उत्पादक परमात्मा सविता, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हो सदैव की भांति श्री अरविंद शर्मा जी का आभार। आपके अथक परिश्रम से यह स्वाध्याय चिंतन की धारा चल रही है, नाना प्रकार के विषयों पर, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के लोग अपने आके विचार प्रकट करते हैं और हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं जितने भी अपने समय बौद्धिक श्रोता हैं, आदरणीय देव ऋषि जी, शेखरी साहब, राजेंद्र कुमार जी, अन्य मातृशक्ति, उन सबको प्रणाम करता हूं जो अपना समय देते हैं, सुनते हैं। इसके उपरांत सबसे अच्छा काम यह भी उपयोगी काम किया है हमारे अरविंद शर्मा जी ने कि इसको अपने चैनल पर डाल देते हैं जिससे कि और लोग भी इसका लाभ उठाते हैं। अस्तु, अपने रुचि के अनुसार कुछ श्री अरविंद शर्मा जी की प्रेरणा से मैंने सौंदर्य लहरी का विषय चुना। मेरी भी थोड़ी रुचि थी इसमें। मुझे सबसे बड़ा लाभ यह है इसकी तैयारी करने के लिए मैं नाना प्रकार के जब अपना नोट्स बनाता हूँ, देखता हूँ, तो विचार आते रहते हैं। वो सब विचार यहाँ पर प्रकट तो नहीं हो पाते 50 मिनट में। जो कुछ भी समझ में आता है वो उस समय बोला जाता है, कहने को कुछ और होता है, कुछ कहा जाता है, भगवती की कृपा है। चलिए, तो सौंदर्य लहरी शंकराचार्य जी द्वारा प्रणीत है और भगवती की रूप है, तो इन दोनों के लिए स्मरण करने के लिए मैं 2 श्लोक उनका स्मरण करके फिर आगे अपनी बात चलाता हूं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः सर्वरूप मयि देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरीं नमामि परमेश्वरीं। तो प्रबुद्ध श्रोतागण, अभी तक सौंदर्य लहरी में हमने यह प्रयास किया यह बताने का कि इसके जो 2 भाग हैं, पहला भाग जिसमें सिद्धांत है एक तरह से सौंदर्य लहरी का, अमृतत्व प्राप्त करने का, भगवती को प्रसन्न करने का, वह 40 या 41 श्लोकों में है, उसमें हम विचार कर रहे हैं। उसके उपरांत जैसा मैंने कई बार बताया कि 60 श्लोकों में लगभग भगवती के किरीट से लेके चरण तक का वर्णन, उनके फल का वर्णन है। यह भी साथ साथ बताया कि इसमें प्रत्येक मंत्र बीज मंत्र के रूप में भी है, यंत्र भी हैं उसके अलग अलग, और प्रत्येक श्लोक को सिद्ध करने की भी प्रक्रिया है, उसका फल भी है। मैं उस बाहरी कर्मकांड के फल में न जाकर, विधि में न जाकर, प्रायः पहले मैं यह प्रयास कर रहा हूं अपने वक्तव्य से
मैं या आप ये समझ सकें कि आखिर ये सौंदर्य का वर्णन भगवती का क्यों किया गया या किस रूप में किया गया, मतलब इसकी आधारशिला क्या है। तो आधारशिला के रूप में जैसा हमने पहले वक्तव्य संक्षिप्त परिचय दिया, संक्षिप्त परिचय देने के बाद यह कहा कि भगवती का उपासना करने से रसमय जीवन हो जाता है, यह रस की लीला है, यह सौंदर्य लहरी आनंद का भाग है, यह सौंदर्य लहरी काम की उपासना है, यह सौंदर्य लहरी श्री विद्या की उपासना है, यह श्री लहरी हादि और कादि विद्या की उपासना है, यह श्री लहरी सौंदर्य लहरी श्री यंत्र की उपासना है, साथ ही साथ षट चक्र भेदन की भी उपासना है। तो मैं अभी ये बताने के उपरांत मैंने शक्ति का महत्व बताया था, अविद्या का नाश होता है यह बताया था, वर अभय वांछा का मांगने से अधिक देती है वो बताया था, उसके उपरांत एक दिन बीज मंत्रों का वर्णन करते समय भगवती का रूप बताया था षोडशी का, कि धनुर्बाणान पाशम सृणिभिः दधाना करतलैः, एक में धनुष है, एक में बाण है, एक में पाश है, एक में अंकुश है, और यह भी उसके प्रतीक जो अर्थ थे वह भी बताए। तो यह बाहरी रूप है, और चरणों के बारे में भी बताया था। है क्या जो सौंदर्य लहरी में उपासना है, सौंदर्य लहरी कहिए कि सनातन धर्म जो साकार उपासना है, उसका जो मैं समझाऊं वो है पहले बाहरी रूप देखना और बाहरी रूप से अंदर उतरना, अंदर उतर के अपने को इष्ट से परमात्मा के स्वरूप में मिला देना और फिर विश्व रूप हो जाना। इसी तरह से मैं अपनी बात को लेकर चल रहा हूं कि बाहर का रूप बताया, फिर शाक्ताद्वैत की बात कहेंगे कि अद्वैत क्या है, उसके बाद विश्व रूपत्व की बात कहेंगे कि विश्व रूप कैसे हो जाता है, और यहां पर जो कहा वो और जगह कैसे कहा। मेरा अपना प्रयास ये रहता है अध्ययन में कि वो वेद सम्मत है कि नहीं, तो मैं प्रयास ये करता हूं कि जो मैंने छोटा मोटा जितना अध्ययन किया वो वेदों में भी कहीं पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, जिससे कि मुझे विश्वास हो जाए कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं शास्त्र में वो वेद सम्मत है। जब वेद ने कह दिया तो वो प्रमाणित हो गया, और वेद इतना विविध विविध ग्रंथ हैं, अपार विद्या है उसमें, कि आप जो चाहें जिस तरह से चाहें उसे देखना चाहें आपको वो चीज अवश्य, उसके जो रूट्स हैं हमारे जितनी भी शाखाओं के उसके बीज मंत्र वहां पर ही सब मिलेंगे। अस्तु, तो आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वह शुरुआत करने जा रहा हूं भगवती के सौंदर्य से, सौंदर्य की उपासना करने से। इसमें ये कहा इस श्लोक में कि क्या होता है कि सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। पिछली बार मैंने शाक्ताद्वैत के बारे में कहते कहते कहा था कि भवानी त्वम मैं तुम हो जाऊं, जैसे ही ये कहता है तो शाक्ताद्वैत हो जाता है, भगवती के या अपने परमात्मा के रूप में साधक मिल जाता है, उसे मुलाकात हो जाती है। फिर बात आती है मोक्ष की, तो वो जो मोक्ष का टेक्निकल बात आई थी कि क्या अर्थ है मोक्ष का, वो मैं अभी कहूंगा। शुरू में थोड़ी जो मुझे रुचिकर बात लगेगी आपको भी साथ लगेगी, बहिर्याग और अंतर्याग। चौड़ीसी तो उसके बाद अंतर्याग की बात कही गई, और अंतर्याग की बात कही गई उसका जो परिणाम बताया, परिणाम तो मैं बाद में दो श्लोक में बताता हूं, कि ये कहते हैं कि जब ध्यान करते करते भगवती का साधक अंतर्याग की ओर जाता है, षट चक्र भेदन करने लगता है, वो शक्ति को अपनी अपनी शक्ति को जब जागृत करता है, दोनों तरह से है, आप भगवती की बहिर्याग से उपासना करेंगे तो भी, सौंदर्य रूप का वर्णन करेंगे ध्यान करेंगे तो भी, और अंतर्याग में अपनी शक्ति कुंडलिनी जगाएंगे तो भी। वहां पर यह कहा, एक श्लोक है कि महिम मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतभवम स्तम स्वाधिष्ठाने हृदि मृतुमाकाशमुपरि मनोपि भ्रू मध्ये सकलमपि जित्वा कुलपथम
सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विरहसि। दो तरह की उपासना है, आप षटचक्र भेदन मूलाधार से ऊपर तक करते हैं। तो यहां पर लिखा कि पृथ्वी अब तेज मरुद व्योम, ये नीचे के चक्रों से मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, यहां तक के जो इसमें जब आपने साधना करता है आदमी, तो सहस्रार चक्र में जाकर वो शक्ति जो कुंडलिनी को देवी के रूप में माना वो अपने परम तत्व के साथ विहार करती है। विहार करने से क्या होता है, उसके बाद तो ये हो गया, इसे कहते हैं आरोह। और अवरोह में क्या होता है, फिर उसमें लिखा कि सुधा धारा सारी चरण युगरांतर विगलत ही। सहस्रार चक्र में जो अमृत का क्षरण होता है, उसको अमृत का जो आनंद आता है, जो शक्ति प्राप्त होती है, उससे पूरा प्रपंच पूरा शरीर सिंच जाता है, वो नीचे की ओर फिर आने लगता है। सुधा धारा सारी चरण युगलांतर प्रगलते प्रपंचम सिंचंती कथम भी रसामनाय महसा अवाप्य स्वाम भूमि भुजग निबद्धिष्ठ वलयम समात्मानम कृतवा सुपिशुकुल कुंडे कुहरणी। नीचे ऊपर से अमृत का क्षरण होते हुए अंदर अंदर, हमेशा तो उस स्थिति में रह नहीं सकता, जब उस स्थिति शांत होती है योगी की, कुछ योगी होते हैं जब उसमें ही रह जाते हैं तो वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गया, और जब वो उतरते हैं समाधि से तो अमृत का जो क्षरण होता है वो नीचे जाके वो कुंडलिनी मूलाधार में जाके 3.5 राउंड लगा के कुंडलिनी सोती स्वप्न सुषुप्त स्वप्न अवस्था में आ जाती है, वो अपनी वहां पर सोने लगती है कुंडलिनी। ये दो बात अंतर्याग के बारे में कही। इसमें क्या कहा इसके बाद, इसके बाद उन्होंने ये कहा कि क्या स्थिति हो जाती है। वहां पर एक श्लोक लिखा, उसका अर्थ यह है जड़म, भगवती जब आपकी एक कृपा उसके ऊपर हो जाती है, देखिए कुंडलिनी भी है, अंतर्याग भी है, बहिर्याग भी है, सौंदर्य की उपासना भी है। यहां कहते हैं भगवती तुम्हारे एक निगाह पड़ जाने से, एक निगाह पड़ जाने से वहां पर क्या होता है कि गलत बहनी बंधा कुछ कलश विश्वस सिचया, इतना उसमें रूप आ जाता है, इतना उसमें आकर्षण आ जाता है कि स्त्रियां जब उसको देखती हैं सुंदरी लोग, तो उनके वेणी बंध खुल जाते हैं, जो उन्होंने बांध रखा है अपने कुछों को, जो बांध रखा है स्तनों को, वो भी ढीले हो जाते हैं, और जो उनके दुकूल हैं वो भी उतर जाते हैं। कहने का मतलब क्या कि वो कामासक्त हो जाती हैं, वो उस आदमी पे उस साधक पे आकृष्ट होती हैं। यहां पर इस बात को लिखा है इन्होंने कि ये यहां पर इतना इसमें फर्क होता है इसमें। अब देखो, हठात त्रुटियत कांची विगले दुकुला युवतया, युवतियां उसके पीछे आकृष्ट होती। यहां पर एक बात मैं कहता चलूं, इस श्लोक को कहते हैं काय संपत सिद्धि। कहा 6 दिन तक 1000 1000 रोज रोज यदि मंत्र का पाठ करे तो इसमें सिद्धि होती है, और स्त्रियों को आकृष्ट करने की इसमें शक्ति आती है उस साधक में। जैसा श्री अरविंद शर्मा जी ने कहा और पहले भी कहा गया कि प्रत्येक श्लोक का इसका कुछ ना कुछ सिद्ध करने का अर्थ है, तरीका है, उसका फल है। तो इस मंत्र के बारे में लिखा कि 1000 मंत्र रोज जपे जाएं, 6 दिन तक इस श्लोक को जपा जाए तो स्त्रियों को आकृष्ट करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ये तो इसका फल हो गया, लेकिन मैं और दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता हूं। बड़ा अजीब सा लगता है कि एक आदमी बूढ़ा आदमी ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, यह शास्त्र सम्मत बात है। कैसे, पहले तो लेते हैं पतंजलि को। पतंजलि का योग दर्शन जो है उसमें तीसरा पाद है विभूति पाद। यदि आप विभूति पाद को देखेंगे तो उसमें लिखा है काय संपत सिद्धि। काय संपत सिद्धि में क्या बताया कि प्रत्येक नाड़ी में अमृत का संचार होने से देह उसकी दिव्य हो जाती है साधक की, 7 धातुओं का पुनर्निर्माण होने लगता है, ग्लैंड्स में रसोत्पादन शक्ति बढ़ जाती है, स्नायुओं में जीवन शक्ति का संचार हो जाता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, उसमें दीर्घजीवी योगियों के बारे में
नाम थे और कहा था इतने साल तक जिए, इन्होंने इतनी बार अपना काय संपत्त किया, पुनर्निर्माण किया शरीर का। तो यह बात जो लिखी है वह देवी की कृपा से भी है, और जो वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे योग वाले लोग हैं वो भी इसको मानते हैं कि ऐसा होता है, ये ग्रंथ कहते हैं। ये तो हो गई योग दर्शन की बात। च्यवन ऋषि के बारे में आपने सुना होगा कि बूढ़े थे, जब राजा ने अपनी कन्या दे दी उसको, तो फिर उन्होंने अपने शरीर का पुनर्निर्माण किया। मैं वेद देख रहा था, वेदों की बात कह के फिर मैं इसे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैंने जब वेद देखे तब मेरे मन में आया कि नहीं ये तो है। उसमें ऋग्वेद में एक जगह मंत्र है, 10वें मंडल का 30वां सूक्त है, 6ठा मंत्र है, उसमें लिखा है, एवद यूनो युवतयो नमंत यदीम उशन उशती एत्यच्छा। मतलब हिंदी में मतलब समझा देता हूं कि युवतियां उसको नमस्कार करती। ईश्वर की जो उपासना करने वाला है उसमें जो स्थिति में चला जाता है उपासक, उसको ये नहीं लिखा इसमें कि भगवती का नहीं है, लेकिन वह ईम लिखा, जो भगवान के आनंद स्वरूप का वर्णन करता, वो उपासना करता है, शिव शक्ति की उपासना करता है, ई माने काम कला की उपासना करता है, युवतियां उसको नमस्कार करती। एक और मंत्र में वहां ये कहा कि युवत च्यवानम अश्वना जरंतम पुनर्युवानम चक्रथु शची भी। शची भी माने शक्तियों के द्वारा उपासना करने से आदमी पुनर्युवानम, पुनः दोबारा से युवा हो जाता है। तो ये तो काय संपत्त सिद्धि की बात हुई। इसके साथ ही आगे ये कहते हैं, इसको मैं अलग हटा के आगे बढ़ना चाहता हूं, अब भगवती के सौंदर्य की उपासना करते हैं अगले श्लोक में, फिर मैं शाक्ता द्वैत की ओर लाऊंगा। क्या कहते हैं कि हे भगवती, आपका सौंदर्य तो बहुत ही कल्पनातीत है। त्वदीयम सौंदर्यम तुहिनी गिरी कन्या तुलेतम, इतना है कि उसके ब्रह्मा इत्यादि भी लोग, देखिए प्रत्येक सनातन धर्म में ये कि अपने इष्ट को मानते हैं, सबसे ऊपर है भगवती, वो है जो परम सत्ता भगवान है, वो परम सत्ता जो ब्रह्मांड को निर्माता है, उसकी जो शक्ति है उसके बारे में, उसके सुंदर पक्ष के लिए कहते हैं यहां पर कि आपकी सुंदरता इतनी है कि ब्रह्मा इत्यादि भी उसके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं, कल्पनातीत है। और अमर ललना, यहां तक कि अप्सराएं भी, जो अमर हैं शक्तियां, वो भी जब उनको देखती हैं तो तपोभि दुष्प्रापाम गिरिज सायुज्य पद्मी, वो सायुज्य पद्मी को प्राप्त हो जाती है। देखने में तो ऊपर बहुत हल्की सी बात लगती है, लेकिन जब इसको ध्यान से पढ़ें तो यहां पर यह कहना चाहते हैं शंकराचार्य जी कि भगवती का जो रूप है, शक्ति का जो रूप है, वो सौंदर्य कल्पनाती, बहुत सुंदर है, और सौंदर्य की कल्पना करने से भी समाधि लग सकती है। समाधि में क्या ध्यान करते हैं, ध्यान में आप बहुत अच्छी चीज का ध्यान करेंगे, जैसे हम तो साधारण लोग हैं, हम किसी अपनी पत्नी के बारे में या किसी महिला के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में किसी के बारे में सोचते हैं तो हमेशा उसी का ध्यान बना रहता, और जो विश्व की निर्मात्री है, जो परम सत्ता है, जिसको इतना सुंदर रूप यहां पर सौंदर्य लहरी में दिया गया है, या जिसके साधना करने से आपको अमृत की धाराओं का अनुभव होता है, चिदानंद लहरी की धारा का अनुभव होता है, आनंद लहरी का अनुभव होता है, वो कितनी सुंदर होगी। तो इसमें यहां पर यह वर्णन लिखा कि आप सौंदर्य रूप का ध्यान करें, और सौंदर्य रूप का ध्यान करने से समाधि लग सकती है, और समाधि से शिव सायुज्य मिल सकता है, शिव के साथ अद्वैत हो सकता है, आपको सायुज्य पदवी प्राप्त हो सकती है, जो आगम पक्ष में या भक्ति मार्ग में मोक्ष कहा जाता है। मैं जानबूझ के मोक्ष का शब्द ले आया हूं यहाँ, जिससे कि कई बार चलता हुए मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब बात चलती रहती है, कई बार चल चुकी है बात। अब मोक्ष क्या है, सहस्रार चक्र में शिव शक्ति का ऐक्य होना भी मोक्ष है योगियों के लिए। सहस्रारे चक्रे सहरहसि पत्या विरहसि, सहस्रार चक्र में शिव के साथ ऐक्य होने पर वो आनंद प्राप्त करती है, पति की तरह, पति के साथ जैसे पति और पत्नी का विहार होता है, ऐसी शक्ति जो है शिव के साथ विहार करती है। यहां पर कहा गिरिज सायुज्य पदवी, सायुज्य पदवी को सबसे ऊपर बताया इन्होंने। अब बात यह आती है, मैंने एक श्लोक पहले बोला था कि
कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि भवानी त्वम होन कहते ही वही हो जाता है जो पिछली बार हमने कहा भगवंतः श्याम, इस सब की बात आई। अब इसमें यहां पर कुछ बात कहना चाहते हैं कि भाई ये सायुज पदवी को मोक्ष क्यों कहते हैं, या मोक्ष की कल्पना क्या है। तो थोड़ा सा शास्त्रीय चिंतन हो जाए उसके बाद फिर विश्व रूपत्व की ओर आगे बढ़ाएंगे इसमें, कि क्या ये शिव सायुज से होने से क्या फर्क पड़ता है, सौंदर्य लहरी क्या कहते हैं। मोक्ष पे आते हैं, मोक्ष क्या आप बार बार सुनते हैं, तरह तरह से सुनते हैं। तो मैं पहले तो विभिन्न ग्रंथों में जो परिभाषाएं दी वो रखता हूं सब, फिर एक मोटे तौर पे आप और हम बैठ के सोचते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई ये मोक्ष क्या चीज है। जैसे मैंने पहले कहा था मोक्ष माने मुक्ति होना, मोक्ष होना। देखिए शंकराचार्य अपने अद्वैत वेदांत में कहते हैं कि अविद्या ध्वंसो मोक्ष, अविद्या का जब नाश हो जाता है तो मोक्ष होता है। है क्या जो मैं समझता हूं, आप देखेंगे कि शब्दों का हेर फेर है जो मैं समझता हूं। शब्दों में तो शब्द लालित्य है, लेकिन होना तो हमको है ना, साधक को होना है। तो साधक अपनी रुचि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी साधना पद्धति के अनुसार अपने को प्राप्त करेगा क्या जो उसे प्राप्त करना है। मीमांसा क्या कहती है, मीमांसा दर्शन ये कहता है कि निरति नित्य अतिशय सुख की जो अभिव्यक्ति है वो मीमांसा है। मीमांसा कर्मकांड वाले हैं। अब देखिए सुख की बात आ गई, आनंद की बात आएगी हर जगह। अविद्या का नाश होने पर वो तो कहते हैं कि भाई मान लीजिए वेदांति कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, ना अच्छा बुरा सब समाप्त हो जाता है, निष्क्रिय अविद्या का नाश हो जाना चाहिए, बस आनंद से रहे। अब उसके आगे क्या कहते हैं न्याय वाले, कहते हैं कि दुख की आत्यंत की निवृत्ति को हम मोक्ष कहते हैं, दुख खत्म हो जाए, जो दुख हमारा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तो उसे हम मोक्ष कहते हैं। जैनी कहते हैं नित्य ऊर्ध्वगमनम, ऊर्ध्वगमन हमारा हो जाए तो हमारा मोक्ष है। चार्वाक कहते हैं कि मरणे में मोक्ष, मरे और मोक्ष मिला, काम खत्म हुआ। जो नाद वाले लोग हैं, ओंकार की जो उपासना करते हैं, वो कहते हैं कि हम नित्य नाद का अनुसंधान जब करते रहते हैं, निरंतर ओंकार शब्द का उच्चारण जो हो जाता है, उस नाद ब्रह्म में जब हम लीन हो जाते हैं तो वो ही मोक्ष है, उसी में लीन हो जाना, बस नाद ब्रह्म। ईशावास्य प्रसद में कहा योसव असौ सोहम पुरुष सोहम अस्मि, ये जो कुछ है वो ही मैं हूं, साक्ताद्वैत के रूप में कहते हैं। अब उपनिषदों पे आता हूं, उपनिषदों में कहते हैं कि एक जगह लिखा है मुंडक उपनिषद में कि जब परमात्मा से आत्मा, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो उसी में मिल जाते हैं, आत्मा परमात्मा ही हो जाती है। एक जगह लिखा ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। मुंडक में तो यह भी लिखा कि तस्येष आत्मा विवते विशते ब्रह्म धामा, तीन उन्होंने उपाय बताए कि परमात्मा करे तपस्या करे और उसे वो आत्मा में लीन हो जाता है। अब देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद में मोक्ष के बारे में यह कहा कि लीना ब्रह्मणी तत्परा योनि मुक्ता, योनियों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाना ही मोक्ष है। अब हमारे आए पातंजलि, पातंजलि का कैवल्य पाद है लास्ट में चौथा, जिसमें कैवल्य की बात कहते हैं। वहां पर मैं संस्कृत को छोड़ देता हूं, अब हिंदी में बात करता हूं कि वहां कहते हैं कि गुणों का प्रलय हो जाए, सत्व रजस्तम गुणों का नाश हो जाए, स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाए, स्वरूप माने अपना जो रूप है, आत्मा का जो अपना रूप है उसमें जब प्रतिष्ठित होकर शाश्वत अवस्थान लगातार उसी में ही बना रहे उसको मोक्ष कहते। आप देखते रहिए सबकी कल्पनाएं, गीता कहती है यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम ममम, बहुत सरल भाषा में कि जहां जाकर लौटना नहीं होता वही हमारा धाम है। तो इतना कहने के उपरांत उसमें गीता में अर्जुन को यह भी कहा कि तुम जब
अनन्या भक्ति के द्वारा मेरी अनन्य भक्ति करोगे तो तुम मुझको जानने में भी समर्थ होगे, देखने में भी समर्थ होगे और प्रवेश करने में भी समर्थ होगे। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेशतुम च, गीता के 11वें अध्याय में जब विश्वरूप दर्शन उन्होंने दिखाया तब ये कहा उन्होंने। एक जय कठोपनिषद में तो ये लिखा है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिष्ठन चेष्टते तामाहु परमाम गतिम, हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि पांचों ज्ञानेन्द्रियां और मन और बुद्धि जब एक हो जाते हैं, उनमें कोई चेष्टा नहीं होती, तब उसको परम गति कहते हैं। वहां पर उनके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, सारे हृदय की जितनी ग्रंथियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं, सारे कर्मों का नाश हो जाता है, वही मोक्ष है। ये कहा कठोपनिषद। गीता के दूसरे अध्याय में बड़ी सरल बात कही, तरह तरह जगह जगह भक्ति कर्म उपासना में दर्शनों में विभिन्न शब्दों से मोक्ष को अलग अलग तरह से कहा। गीता के दूसरे अध्याय में लास्ट में ये कहा कि जो पुरुष अपनी इच्छाओं को छोड़कर निष्प्रिय होकर रहता है, निर्मम ममत्व उसमें नहीं होता, निरहंकार अहंकार नहीं होता, वो शांति को प्राप्त होता है। और ये ब्राह्मी स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थो नैनाम प्राप्ति भूमयति, इस शांति की ब्राह्मी स्थिति को पार कर हे अर्जुन कोई मोह प्राप्त नहीं करता। इसमें अंतकाल में स्थित होकर भी ब्रह्म निर्माण इच्छति, ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई तरह तरह की बात। अब इसमें बात यह आई कि यहां पर सायुज्य पदवी की बात क्यों कही, सायुज्य पदवी के लिए क्या कहा। क्या है, भक्ति मार्ग में चार तरह की मोक्ष बताए। सालोक्य, जब साधक अपने इष्ट का उपासना करता है तो वैसा ही आलोक उसमें हो जाता है, सामीप्य पास में रहने का उसे अनुभव होने लगता है, सारूप्य वैसा ही रूप हो जाता है, उसके उपरांत है सायुज्य, उसमें जुड़ जाता है। इसलिए सायुज्य मोक्ष को सबसे बड़ा मोक्ष इसमें यहां पर यह कहा गया। हमारे रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं कि ब्रह्म और शक्ति यद्यपि अभिन्न है लेकिन उन्हें मां को कह के पुकारने में भक्ति बहुत शीघ्र होती है, अधिक प्रेम होता, इसलिए मां को उन्होंने कहा यहां पर सौंदर्य लहरी में इस रूप में मां के रूप में ही उसकी सारी उपासना की। इस शाक्ताद्वैत के साथ ही अब बात आती है हमारी विश्व रूपत्व की। शाक्ताद्वैत पे तो जितना भी बोल सके कि अद्वैत हो जाता है, सब मिल जाते हैं। सौंदर्य लहरी क्या कहती है, अब जब अद्वैत का भान होने लगता है कि मैं और मेरा इष्ट, मेरी माँ, मेरी शक्ति सब दोनों एक हैं, मैं वही हो गया, तो वो विश्व रूपत्व में बदलने लगता है, उसको भान होने लगता है। सौंदर्य लहरी में एक दो श्लोक बता के फिर मैं इस बात को कहूंगा। इसके बीच में जो बात आई श्री यंत्र की, श्री यंत्र के ऊपर मैं एक दिन पूरा लेक्चर रखूंगा अगला वाला, तो जिससे कि ये समझ में आए ये श्री विद्या की उपासना, श्रीयंत्र की उपासना क्या है और विश्व रूपत्व से उसका क्या मतलब है। आज मैं विश्व रूपत्व के बारे में ही बताना चाहता हूं कि यहां पर इन्होंने क्या कहा विश्व रूपत्व के बारे में। यहां पर यह कहा इन्होंने विश्व रूपत्व के बारे में कि शरीरम त्वम शंभो शशि मिहिर बक्षोरुहगम तवात्मानं मन्ये भगवती तवात्मानमर्गम अतः शेष शेषी त्वम उभयतया साधारणतया इसदा संबंधो वाम समरस परानंद परयो। संस्कृत में इस श्लोक है सौंदर्य लहरी का। मुख्य बात जो समझने की है वो ये है, शरीरम त्वम शंभो, हे भगवती तुम शंभु का शरीर हो। ये जो प्रकृति है, मैं दूसरे शब्दों में कहूं ये परमात्मा का शरीर है, ये जो विश्व है पूरा का पूरा ये परमात्मा का ही शरीर है। जैसे कि हम उपनिषदों में हमेशा कहते आए कि भगवान ने अपने को प्रकट किया है, बड़ा मूल सूत्र है ईशावास्य उपनिषद का, ईशावास्यम इदम सर्वम, इसी की सब व्याख्या है, हर जगह आप समझ लीजिए, सब जगह इसी की व्याख्या है।
अब कहते हैं तुमेव स्वात्मानं परणमयितुं विश्व बपुषा। इससे पहले के श्लोक बताते हैं कि मन मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसी भरुत्सारथिरसी, तुम मन भी तुम ही हो हे भगवती, तुम वायु भी तुम हो, जल भी तुम हो, भूमि भी तुम हो। और फिर उसके बाद कहते हैं सौंदर्य लहरी में, यह भगवती अपने को रूप को प्रणम करके विश्व बपुषा विश्व रूपी शरीर से चिदानंदाकारम शिव युवती भावेन विमृशे। आप जो परमात्मा के साथ जो आप आनंद उठा रहे हैं वो चिदानंद का चिदानंद रूप में उठा रहे हैं, चित और आनंद के रूप में उठा रहे हैं। एक जगह मैं प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद है, तो वो महात्मा वो विद्वान थे, वो ही कह रहे थे कि देखो भाई लोग कहते हैं सत और चित आनंद नहीं, मेरा तो मानना ये है कि वो आनंद रूप है, तो सत और चित तो उसके विशेषण है। सत माने उसकी सत्ता रहती है, चित माने उसका चैतन्य है, ज्ञान वाला है, उसमें ज्ञान होता है। तो है क्या, इसीलिए इसमें कहा कि ये जो पूरा विश्व है इसमें जब हम भगवान की सत्ता का या भगवती की सत्ता का अनुभव करने लगते हैं ये समझ के कि यह सब उसी का रूप है, तो हम विश्व रूपत्व को प्राप्त करते हैं। इसी विश्व रूपत्व का रूप श्री अंतर है, जब बोलेंगे तो विश्व रूपत्व के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसमें विश्व रूपत्व के बारे में क्या क्या कैसे कैसे कहा गया, कहां कहां कहा गया, देखिए एक जगह मैंने पढ़ा था उपनिषद में कि सर्वभूतांतरात्मा वो जो आत्मा है वो रूपम रूपम प्रतिरूपो भविष्य, तरह तरह के रूप में आई, वहां पर विभिन्न विभिन्न रूप आया उसका। और ये बात मैं तैत्तरीय उपनिषद की कई बार कह चुका हूं कि उसने तदात्मानं स्वयं अकुरुता, वह परम सत्ता जो थी उसने अपने को ही बनाया, इसलिए ये जो विश्व बनाया गया है ये सुकृत कहलाता है। और सुकृत कहलाने के बाद ये कहा ये रसो वैसा, वो रसमय है, ये यम लब्ध्वा आनंदी भवति, इसको प्राप्त करने के उपरांत आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखिए इस अथर्ववेद में भी देखिए क्या कहा, अथर्ववेद में मैं ये बताना चाहता हूं कि विश्व रूपत्व का मतलब क्या हुआ, सब जगह उस भगवती को देखना। कमाल की बात है, इस विश्व रूपत्व को अथर्ववेद में यह कहा कि आपश्यति प्रतिपश्यति परापश्यति पश्यति दिवम अंतरिक्षम आद भूमिम सर्वम तद्देवी पश्यति। देवी का ही शब्द लिखा है वहां, मैं भगवती का ही रूप बता रहा हूं। अथर्ववेद में कहा कि वो सबको देखता है, अंदर भी देखता है, चारों तरफ भी देखता है, देव अंतरिक्ष पृथ्वी में, द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, भूमि में, सब जगह उसी तत्व को देखता है। ये है विश्व रूपत्व की बात, चारों ओर सब पदार्थों को देखने वाला आपको ही देखता है, प्रत्येक पदार्थ में देखता है, जगत के परे अलौकिक अलौकिक वस्तुओं को भी देखता है, वो आपके तत्व को ठीक तरह से देखता है, जीवन को प्रकाशमय करने वाली है देवी, द्युलोक अंतरिक्ष लोक और भूलोक में जो भी उपासक देखता है वो आपको ही देखता है। अब इसको मैं योग वशिष्ठ बोल आया हूं, योग वशिष्ठ में तो यही कहा कि यस्मिन सर्वम यतः सर्वम यस सर्वम सर्वतस्य यत्, जिसमें सब कुछ है, जिससे सब कुछ है, जो चारों तरफ है वही सर्वात्मा है। फिर कहते हैं ये चित जो चैतन्य है उसी में सब कुछ है, उसी से सब कुछ है, वही चारों तरफ है, इसलिए चिदात्मने के नाम पे उसको वहां पर नमस्कार किया, चिदात्मने के नाम। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में ले जाऊं, विश्व रूपत्व को, जो भक्ति मार्ग वाले हैं कृष्ण वाले जो, या साधारण भाषा में जैसे कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, ये विश्व रूपत्व की बात है। या विश्व रूपत्व की बात क्या है कि आपने सुना होगा कि गोपियों का वर्णन आता है तो वहां पर वो चारों तरफ भगवान भगवान को ही देखती हैं, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन आठों जाम उधो, हमें श्याम ही सो काम है,
तो उन्हें जब चारों तरफ श्याम ही श्याम दिखाई पड़ता है तब यही है। और कहां कहां देखते हैं, वहां आता है। उस खान ने लिखा है इसको कि बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, बन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, दरीचन में, कानन में, कुंजन में, सब जगह जो है वो भगवान ही भगवान दिखाई पड़ता है। ये विश्वरूप का, विश्वरूपत्व का मामला है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे गोपियों के बारे में वर्णन आता है, कभी श्रीमद् भागवत पे बोलने का अवसर मिलेगा तो मैं उस तत्व की बात को बताऊंगा कि देखिए कैसे जो साधक है वो कैसे अपने इष्ट में मिल जाता है, उसका विशाल रूप कैसे हो जाता है। वहां पर एक श्लोक आता है 10वें स्कंद में के 44वां अध्याय है श्रीमद् भागवत में। वर्णन प्रकरण ये है कि भगवान मथुरा चले गए हैं वृंदावन से, और बलराम कृष्ण और श्री कृष्ण जी मथुरा घूमने के लिए निकले हुए हैं। तो वहां की जो स्त्रियां हैं वो उनको रूप को देख रही हैं। अब वो बताती हैं कि वो गोपियां कितनी भाग्यशाली होंगी जिन्होंने कि देखा है इनको, और गोपियों का वर्णन करती कि गोपियां कैसी हैं। तो वहां पर बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, कहानी तो अलग है लेकिन साधना की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण बात है। क्या कहा, या दोहने, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रमुख श्लोक है, या दोहने वहनने मथनोपलेप। पूरा श्लोक अलग है, मैं इसका अर्थ हिंदी में बता देता हूं। जब वो गाय को धोती हैं, धान को फटकती हैं, अपने दही निकालती हैं, गोबर का लेप करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, बच्चों को झुलाती हैं, नहलाती हैं बच्चों को अपने, तो भी गायन्ति चैन मनोरथ धियेषु कंठ्यो, उनका ध्यान हमेशा ही भगवान में रहता है, भगवान का ही भजन करती रहती है। तो ये है अपने इष्ट में मिल जाना, भगवान के रूप में मिल जाना। अब यहां पर मैं थोड़ा सा सिद्धिगत बात बताता हूं। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक ग्रंथ में विश्वात्मिका सिद्धि की, इसे क्या होता है, जगह 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 भगवान को जब देखने लगते हो और आपको बिल्कुल हो जाता है कि यहां हर जगह हमारा इष्ट है तो क्या होता है, उसे कहते हैं विश्वात्मिका सिद्धि। विश्वात्मिका सिद्धि बहुत कमाल की चीज। उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं आदि विद्या और कादि विद्या के बारे में जब बताऊंगा तो उसके बाद को विश्वात्मिका सिद्धि प्राप्त होने से क्या होता है, उसमें लिखा है कि भुक्ति मुक्ति परायण विश्वाख्य रूप की उपासना करते हैं, विश्व की उपासना करते हैं, विश्वात्म सिद्धि को प्राप्त करते हैं। विश्वात्म सिद्धि से क्या होता है कि पहले कर चरण, मतलब जो उसका ऊपर का रूप है, वो देव मनुष्य तेरे के होने का अभिमान त्याग देते हैं, ब्रह्मांड शरीरी होकर मनुष्यादि शरीर में कृत्रिम अहम भाव समाप्त हो जाता है और विश्व शरीरी हो जाते हैं। मतलब ये जो टेक्निकल बात है उसको सरल भाषा में ये बन जाता है कि हम संसार के प्रत्येक कण से जुड़ जाता है। और यहां तक लिखा है कि विश्वात्मिका सिद्धि वाले में इच्छा मात्र से संसार और पर्वत सब उसके वश में होते हैं, वो जो चाहे सो कर सकते। बड़ी अजीब बात लगती है। मैंने इसको और देखा तो बहुत ही कमाल की बात इसमें सामने आई। एक बड़ी, हम लोग चौपाई पढ़ते होते हैं कि मुख होए बाचाल, पंग चढ़े गिरबर गहन, जासु कृपा सु दयाल, कि मुख जो है वो बाचाल हो जाता है, पंगु जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है लंगड़ा, इसकी कृपा से, भगवान की कृपा से। इसे संस्कृत में कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तब हम वंदे आनंद माधवम, जो मुख को वाचाल बना देता है। विश्वात्मिका सिद्धि की बात कर रहा हूं मैं। कैसे कैसे, मैं वेद पढ़ रहा था, वेद में लिखा गया कि वृक्षे वृक्षे नेताम अमियत गौ ततो वय प्रतनन पुरुषादः। इसमें अर्थ ये हुआ शरीर रूपी प्रत्येक वृक्ष में हृदयस्थ प्रभु ने वेद वाणी द्वारा एक एक गाय नियत कर दी है, इस शब्द को सुनने वाला पुरुष उन्नति पथ पर जाता है। ये तो उन्होंने कह दिया। एक जगह ये लिखा कि जब
प्रत्येक कण कण में अनुभव वास्तव में करने लगता है साधक, उसे दिखाई पड़ने लगता है। तो जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपको आश्चर्य में लगेगा और सुने उसको। मैं खुद उसको बड़ा सुन के मैंने पढ़ा कि नदियां जल को उल्टा स्रोत ले जाने वाली हो सकती, तृणों को खाने वाला हिरण जो है अपनी ओर आते हुए शेर पर भी आक्रमण कर देता। बिल्कुल उल्टी बात सुनिए, देखिए, गीदड़ सुअर को उसके छिपने के स्थान से बाहर निकाल लेता, खरगोश आक्रमणकारी शेर को निगल जाता, दूर स्थित पर्वत को एक मिट्टी के ढेले से विदीर्ण कर देता, अल्पकाय विशालकाय, अल्पकाय जो व्यक्ति है विशालकाय को भी हरा देता है, और बछड़ा भी शक्तिशाली वृषभ को जीत लेता। अब आप कहेंगे कहां पर लिखा है? वेद में लिखा। वेद की बात तो गलत नहीं हो सकती। ये मैं आपको उसमें वो क्या कहते हैं संदर्भ भी बता देता हूं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 28 सूक्त का चौथा श्लोक 10/28/4 और 10/28/9, इसको जो देखना चाहे वो देख सकता। तो जो विश्वात्मिका सिद्धि की बात कही थी वो यहां पर ये लिखा है इन्होंने, इसमें लिखा इस तरह से है, हे स्तोता, हे स्तुति करने वाले, मेरी कृपा से ऐसा ऐसा हो जाता। तो जो हम पढ़ते आए मुखम करोति वाचालम या मुख होय वाचाल पंगुचरे गिरवर गहन, वो सब बात इसमें सिद्ध होती है कि इस तरह की विश्वात्मिका रूप जब हो जाएगा, सब में प्रत्येक स्नायुओं में अमृत का सिंचन हो जाएगा, काय संपत्ति सिद्धि भी होगी, आप अपने को अंदर से जब विशाल रूप कर लेंगे, विश्वात्मिका सिद्धि कर लेंगे, तब भी आप यही हो जाएगा। और देखिए इस बात को हर जगह कहा, जो मैं श्लोक बोलता हूं कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरीम, मैं उस विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। त्रिपुरोपनिषद में भी अंत में जाके विश्वरूपत्व पे ही समाप्त होता है। तो ये केवल शाक्त उपासक नहीं कहते, ये हर जगह, जो जैसे श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने सब गायें चुरा ली, बछड़े चुरा लिए, तो कहते हैं कृष्ण भगवान ही सब कुछ बन गए। तो उसमें यही है कि विश्व रूपत्व की बात है, जब वही बात आ जाती है ईशावास्यम इदम सर्वम, हम जब कहते हैं कि ईशावास्यम भगवान के प्रत्येक कण में है, और हम जब ये सिद्धांत मानते हैं साधारण तौर पे कि कण कण में भगवान है, तो कहते तो हैं, उससे हमारा सामंजस्य नहीं होता। सौंदर्य लहरी ये कहती है कि अपने चाहे बाहर के दृष्टि से उपासना करो, चाहे अंतर्याग की दृष्टि से उपासना करो। श्री यंत्र की उन्होंने सिद्धि की श्री चक्र को बताया, जो मैं आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में, उसको आप समझो, प्रकृति के प्रत्येक कण में उस भगवती का दर्शन करो, अनुभव करो और उससे जुड़ने का कोशिश करो, वैसे ही रूप हो जाओ अगर विश्वात्मिका। इसमें इसको श्री विद्या को इसीलिए आत्म विद्या भी कहा, श्री विद्या भी कहा, आत्म शक्ति भी कहा, सब रूप इसमें इसी तरह से कहे गए, और सब वो शक्ति इसमें प्राप्त होती है ये कहा। इसमें ये लिखा कि आगे उनमें लिखा है कि चित्त चैतन्य की पूजा करने वाला हो जाता है। एक जगह वेद में लिखा कि गायत्री रूपी वाणी इस आनंद रस को अनायास ही आनंद लोक से ले आई। वाणी जो है, वाक रूपा जो है, उत्तम कर्मों की ये प्रेरणा करती है, जो वेद रूपी वाणी बोलते हैं जो लोग, वो सब यज्ञ आदि उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, जो विश्व रूपा है, जो सभी सत्य विद्याओं का निरूपण करती। वाह, सभी सत्य विद्याओं का निरूपण करने की बात इसमें कही इन्होंने, और इस तरह से विश्वरूप हो जाना ही इसमें इनका एक उद्देश्य बताया। सौंदर्य लहरी में एक जगह श्लोक मिला मुझको, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें तो हर जगह भगवती ही भगवती दिखाई पड़ती है, प्रासाद ऐसा दिशि दिशि सा, तो भगवान का यही, अब कोई भी हम उपासना कर रहे हैं आनंदमय उपासना करते करते, यदि हम ये समझने लगे कि चारों तरफ हमारा वही इष्ट है, उसका हम अनुभव करते हैं, तो वो भी आनंद रूप का अनुभव करते हैं,
तो हम वास्तव में इस सौंदर्य लहरी का जो उद्देश्य है या जिस पृष्ठभूमि में बताया गया है भगवत का रूप, उसको हम समझ पाए। आज का मैं यही कहूंगा कि मुख्य बात यह है कि जो आनंदमय रूप है वो मन की शुद्धि के ऊपर है, एकता के साथ है सृष्टि के, अपने इष्ट के साथ। परमात्मा को आप जिस रूप में मान रहे हैं उसे आपका ऐक्य हो, आप उसको वास्तव में स्वीकार कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मैं हूं, मैं शब्दों में तो बोल दूंगा, थोड़े समय के 1 सेकंड के लिए हो सकता है अनुभव करूं और बाकी समय में अनुभव नहीं करता, लेकिन साधना ये कहती है कि आप लगातार उसमें स्थित हो जाएं उस रूप, तो आप चाहे उसे मोक्ष कह लें, चाहे वो आनंद की प्राप्ति कह लें, चाहे वो मन की शुद्धि कह लें, मन प्रसाद कह लें, मन की प्रसन्नता कह लें, तो उस स्थिति में आने का ही सारा उद्देश्य है। चाहे वो मूर्ति की उपासना से हो, सुंदर भगवती की सुदर्शी देवी की उपासना से हो, चाहे वो यंत्र की उपासना से हो, चाहे वो किसी मन यज्ञ की करने की उपासना से हो, चाहे वो कुंडलिनी जागरण की उपासना से हो, सौंदर्य लहरी का जो उद्देश्य है वह उस शक्ति का, जो ब्रह्मांड की निर्मात्री निर्माता, जो उसकी जो शक्ति है शक्तिमान की, उस शक्ति का ही उपासना है। तरह तरह से पहले वो अविद्या के नाश के बारे में बताते हैं, फिर वो उनका बाहरी रूप बताते हैं, फिर वो श्री षट चक्र भेदन के बारे में बताते हैं, फिर वो श्री यंत्र के बारे में बताते हैं। श्री यंत्र के बारे में मैं अगले लेक्चर में बोलूंगा, जितना भी समझ में आएगा, कि जो पता लगना चाहिए कि श्री यंत्र का मामला, उसका अर्थ क्या है, क्यों इसमें सौंदर्य लहरी में लिखा, और षट चक्र भेदन के बारे में क्या कहा, इसमें अंदर से रूप क्या क्या बताए, उसके बारे में बताएंगे। तो मुख्य भवभाग अंत में यही मैं कहना चाहता हूं, जो मेरी समझ में आया वो ये है कि आनंदमय रूप। एक चीज और मैं कहूंगा इसमें कि ये जो सौंदर्य लहरी की विद्या है, इसमें जो कादि विद्या है वो काम की उपासना है भी है, आदि निवृत्त मार्ग की भी है और प्रवृत्ति मार्ग की भी है। तो अगली बार में श्री यंत्र के साथ साथ ये काम के शब्द में, जो हमारे मन में एक शब्द बोलते ही एक ऑब्सेशन सा आता है या कुंठा बनी हुई है, उसको मैं शास्त्रीय दृष्टि से अपनी बात में रखने के प्रयास करूंगा। सब कुछ ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी भी तरह से आप प्राप्त करें, आनंद में रहें, भगवती बहुत ही सुंदर, भगवती बहुत ही आनंदमय, सब कुछ इच्छा देने वाली, भोग देने वाली भी है और मोक्ष देने वाली भी है। ये श्री सुंदरी का इसमें वर्णन किया गया है। श्री विद्या को सिद्ध कर लेने से आप मोक्ष भी प्राप्त करते हैं, भोग तो प्राप्त करते ही करते हैं, मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। इस तरह का ये मार्ग है, और जो कुछ भी मैं बता सका थोड़े बहुत, वो आगे फिर मैं प्रयास करूंगा कि इसमें सौंदर्य लहरी में क्या कहा गया है। भगवती हम सब पर कृपा करें, ये कह के मैं अपना वक्तव्य आज का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, फिर बाद में किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। बाद में दोस्तों हमारे आदरणीय बॉडी शर्मा जी आए हैं, वो बोलेंगे। आदरणीय पंडित साहब, ये सौंदर्य लहरी को आदर शंकराचार्य जी ने जैसा रचित किया है, तो माता ने उनको दर्शन दिए तब लिखा था इसको, लेकिन मतलब उनके मन में जो भाव आया वो कैसे या कैसे कहते हैं। इसके बारे में मैंने जो पढ़ा जितना भी, उसमें कई जगह लिखा है, इसमें लिखा है एक जगह कश्मीर में थे, वहां शारदा पीठ में थे, वहां पर इन्होंने लिखा इसको, कई कहते हैं श्रृंगेरी मठ में लिखा, लेकिन ये तो है ही। जैसे अन्नपूर्णा स्तोत्र बताता हूँ, तो अन्नपूर्णा स्तोत्र तो उन्हें भगवती के ये जब उनको अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे किसी हिमखंड में, वहां पर भूखे प्यासे मरने को थे, तो अचानक ही कोई एक बहुत प्रौढ़ युवती के रूप में आया, उन्होंने खीर दिया, तब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने कहा ये अन्नपूर्णा देवी है, तो अन्नपूर्णा स्तोत्र लिखा। तो इसी तरह से उन्होंने किसी उसमें लिखा होगा कहीं पर, इसमें का निश्चित नहीं है, ये कहीं निश्चित नहीं आता कि कहाँ लिखा है। बहुत से लोग तो कहते हैं लिखा ही नहीं शंकराचार्य ने, लेकिन नहीं, वो इनका जो मेरा प्रश्न पट ये है। था, नहीं मेरा प्रश्न ये था, मतलब उनको देवी ने दर्शन दिए, उनको नहीं, दर्शन हाँ दे। नहीं, मैं ये कहता हूं जो योगी थे ना, तो उनको अनुभव हुआ
उनको कई जगह अनुभव करें, धारा इस पुत्र के बारे में भी आता है, अन्नपूर्णा भी आता है, उनको दर्शन हुए। दर्शन तो वो तो चूंकि ऐसी स्थिति के आदमी थे कि उन्हें तो व्यास जी ने भी दर्शन दिए। व्यास जी की भी जो मैंने वर्णन किया था, जीवनी का तो आया था, तो उनसे शास्त्रार्थ करने ही आए थे उनको श्रीनगर में, उनसे 8 दिन या 18 दिन शास्त्रार्थ किया था ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के ऊपर। तो और वो इस तरह की सिद्धि थी भी उनको, सिद्ध लोग थे वो सब, ऐसा वो कहते हैं। अब मैं उसमें न जाके मैं तो ये जानता हूं कि भाई इसमें आखिर लिखा क्या है, क्योंकि सौंदर्य लहरी की बात चल रही है, शास्त्र को पढ़ता हूँ, उसकी व्याख्याएं पढ़ता हूँ, वेद सम्मत है कि नहीं ये देखता हूँ और अपनी बात कहता हूँ यहाँ पर, बस ये। कहीं कहीं ये भी लिखते हैं कि जैसे इसको पाठ करने से चेहरे पर चमक आ जाती है और कहीं हाँ, त्वचा। कांति की बात लिखी है, कांति की बात लिखी है, कांति मैं बताया ना उसमें कि हर श्लोक के बारे में लिखा है कि इसको इतनी बार, जैसे मैंने अभी इसमें शरीरम त्वम शंभो बोला तो उन्होंने कहा 45 दिन तक 1000 बार पाठ करो तो प्रज्ञा की वृद्धि होगी, मनस्त्वम व्योमस्त्वम बोला तो 45 दिन 1000 पाठ करोगे रोगों से मुक्ति होगी, इस तरह से सबके अलग अलग उसमें वो अर्थ लिखे हुए, फल लिखे हुए। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न हो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे आदरणीय बागी शर्मा जी मेरा ऐसा देव। लगता है थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, लेकिन यह कि वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई शास्त्र में लिखा क्या। मेरा देव ऋषि साहब ने कुछ अपना खोला है देवश्री आप कहेंगे इसमें, तो देवश्री आप बोल पिटारा। सकते। बात तो वही वाली आ गई जो आपने अरविंद जी का मोक्ष का प्रश्न आपने हल कर दिया। देखिए, इसमें स्वाय एक के जिसमें मृत्यु के बाद मोक्ष है, कहीं मृत्यु से जन्म और मरण से मुक्ति का कहीं नाम नहीं है। जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ वो मुक्ति कहीं जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष नहीं होता। तो आज बहुत क्लियर हो गया मेरा, अरविंद जी को भी बहुत क्लियर हो गया होगा उसका, तो बहुत ही आपने क्लियर कर दिया। और जो ससरा चक्र का बताया, जो आनंद अमृत की वर्षा होती है, ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। मैंने किया ये एक्सपीरियंस, मुझे इस तरह का तो नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत आपने बहुत क्लियर किया है। और आपने जो विश्व रूप का बताया, ये बहुत जबरदस्त। सब जगह ही हर हर एक्चुअली हर ब्रह्मलीन वाली होने में भी विश्व स्वरूप ही होता है। विश्व स्वरूप अगर हो जाए तो सब। श्री विद्या अगली बार आप बताएंगे श्री विद्या के बारे में भी। और जो आपने जो ऋग्वेद का रेफरेंस दिया, बड़ा गजब का दिया आपने ये कमाल का कर दिया। और विश्व तालिका सिद्धि वाली बात है, सिद्धि में तो वाकई ये बिल्कुल उल्टी गंगा बह जाती है। ये हो संभव है, ऐसे बात नहीं है संभव इन द सेंस। ये हमारी हमारे लिए इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है हमारी अवस्था वो नहीं कि हम ये चीजों का इमेजिन कर सके। और शंभु की हत्या में शंभु सुयोज्य मोक्ष की बात से बड़ा जो महामोक्ष की बात करते ही हैं। और सुंदर लय की जो आपने गोपियों के बारे में दोबारा बताया, वो भी कहीं से कहीं है, गुणों का कलप है। और पांच तरह की ज्ञान बुद्धियों का सब बहुत, मतलब वो आप एक्चुअली जो आप बता रहे थे क्या कहा के, वो ही आनंद रूप है, ब्रह्मलीन रूप है, वही मोक्ष है, वही सब कुछ है। और अभी आगे आगे और क्या क्या आता है देखा जाएगा। अब आप हमें बहा के ले जा रहे हैं, और कहाँ पहुंचेंगे हमें कुछ पता नहीं। सागर में पहुंच जाएंगे हम, सीधा लगता इसमें है स्कूल। शायद काय संपत्ति जब बताया तो उसमें पातंजलि के विभूति योग में लिखा हुआ है, हाँ, अभी बताया आपने 45-40 सब। वाले सूक्त में, कि काय संपत्ति ऐसे होता है, उसकी हाँ वाणी में, उसके शरीर में आकर्षण आ जाता है, वाणी में आकर्षण आ जाता है, शरीर उसका वज्र बिल्कुल जैसा हो जाता है, ऐसे करके लिखा हुआ बिल्कुल विभूति बिल्कुल पात्र। बिल्कुल, सब जगह एक ही, सबने मिला के वही एक सारांश में दे दिया है। सब कुछ एक ही, सब कुछ एक ही है। लेकिन ये बड़ा अद्भुत है कि शंकराचार्य जैसे आदमियों ने ये एक मार्ग चुना है। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। विवेकानंद ने सुना, अरविंद ने नहीं सुना चुना ये मार्ग, बड़े बड़े ऋषियों ने नहीं ये मार्ग सुना, लेकिन ये शंकराचार्य ने ये मार्ग चुना है। ये बड़ी अद्भुत बात है, ये बहुत अद्भुत बात है। उस स्पेशल व्यक्तित्व उनका इस तरह ज्ञान वर्धक है, किस तरह उन्होंने ये व्याख्या किया, ऊपर प्रकाशता है। मतलब सर्व 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 सर्वोत्तम स्टेट में मेरा ख्याल वो आत्मा थी, वो जिस तरह उन्होंने इसका इतने ग्रंथों का क्या। अब अरविंद जी बता सकते हैं कि आचार्य जी ने कुछ भी ऐसा है जिस इस अवस्था में कुछ उन्होंने किया है इस तरह का।
अरविंद जी कुछ बताएंगे आप? जी क्या जी क्या कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कुछ लिखा है, जैसे सौंदर्य लहरी टाइप को ग्रंथ भी लिखा है? नहीं, गुरुदेव ने तो 3200 पुस्तकें लिखी हैं और वो हर हर एक विषय पर लिखी हुई हैं, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो उनके साहित्य के अंदर तो सार बहुत कुछ मिल जाएगा, वांग्मय, जो गुरुदेव के वांग्मय है अपना। मैं हाँ जी, हाँ जी। सोचता हूँ कि हर एक अपने अपना वो है और हर एक के नहीं, पुस्तक तो अलग एक एक प्रथम दृष्टया में बात कह दूं है। हाँ गुरुदेव जी, के बारे गायत्री में, उन्होंने किसकी उपासना की? गायत्री की। जी की। बस इसी में उत्तर है देवऋषि जी आपका। सौंदरता का वर्णन गायत्री की मूर्ति भी है उनके यहाँ, गायत्री की उपासना है। गायत्री ऐसा मंत्र है, शक्ति है, शक्ति तो है ही, शक्ति की उपासना से ही सब उबड़े, पुरस्रवण करने से उनको कोई आदरणीय पंडित अनुभव। साहब, बल्कि ये भी कहते हैं कि कलयुग के अंदर कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है, तो कहते हैं कलयुग के अंदर गायत्री मंत्र ही श्रेष्ठ है, क्योंकि नहीं ठीक है, वो देखिए मैं उस बात को काटता नहीं हूं, इसलिए कहता हूं जो कह रहे हैं ठीक है। तो कलयुग में तो रामचरितमानस भी ठीक है, कलयुग में हनुमान चालीसा भी ठीक है, मत मुख्य बात यह है कि हम किस तरह से लेके आगे बढ़े। किसी गायत्री मंत्र पे तो लोग कहते हैं बोलो ही मत। अभी मैं एक जगह था तो मैंने उनसे कहा भाई गायत्री मंत्र की आहुतियां डालो, तो उस पंडित ने ये कहा भाई सब लोग अपने मौन होके गायत्री मंत्र बोल के स्वाहा बोलेंगे। तो मैंने कुछ कहा नहीं, तो इसका मतलब ऑब्सेशन है उनको। तो है क्या जो समझते हैं कि हमको इन सब चीजों से जब साधक ऊपर उठ जाता होगा, ये सब बंधन ही खत्म हो जाने चाहिए। आप जुड़ो तो उस शक्ति से किसी तरह से। गुरुदेव ने जब इतने सारे पुरस्करण कर लिए तब उनको वो शक्ति प्राप्त हुई कि उन्हें सब कुछ एक जैसा लगने लगा, और फिर उनको वो शक्ति आ गई। मैं यही पे आने वाला था कि सब जगह एक जैसा लगने लगा। यही अवस्था, यही है सबसे। मैं कुछ भिन्न है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। कई अवस्था ऐसी है कि स्वयं हम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अवस्था है, वो अवस्था वाली बात है। तो गायत्री वाला जो, अगर आपने ये बोला है भाई गायत्री है, तो उससे तो हमें और भी बहुत संतोष मिलता है, थोड़ा सा सहारा और भी मिलता है। कोई पंडित साहब, ठीक है। जैसे इस समय की जो गायत्री मंत्र का जो विशेष है, मतलब वो तो कह रहा है हरेक की अपनी अपनी श्रद्धा विश्वास है। एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति तीन चीज चाहता है कि उसके प्राण बने रहे, दुख दूर होता रहे, सुख मिलता रहे, और चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो गायत्री मंत्र में अगर देखा जाए तो उसी की प्रार्थना की गई है ना, उस प्राण स्वरूप बिल्कुल दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो यहाँ जो प्रार्थना की गई वो सन्मार्ग की गई है, और जब व्यक्ति सन्मार्ग पर चलेगा तब वो कभी किसी का बिल्कुल अनिष्ट कर ही नहीं सकता, उसको लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आएगा ना। इसके पीछे प्रार्थना तो यही है ना, और जैसे जैसे व्यक्ति करता जाता है तो उसको कुछ बुरा लगता होता। और फिर समय समय पर जिसको जो आपने कहा कि जो हर एक को जो चीज अच्छी लगती है श्रेष्ठ लगती है, उसके अपने प्रारब्ध भी हो सकते हैं, उसका अपना संचित क्रम भी हो सकता है, उसके अपनी परिवार की वातावरण भी हो सकता है, हर व्यक्ति हर वातावरण में हो सकता है। अगर आज मैं मुस्लिम परिवार में जन्म लेता तो मेरा अलग मान्यता होती, सिख में जाता अलग होती, तो इससे क्रिश्चियन होता अलग होती, अपने ही तो अपने अपने उसके हिसाब से है। तो पर अंतों को तो यही है कि हम अंत में जाके अरविंद जी, मुझे ये लगता है कि अपने को ही सुधारने का, अपने को ही ठीक करने का उद्देश्य है। जब हम जुड़ जाते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ, तो अपने को जब हम ठीक करने लगते हैं तो वो जो परम सत्ता थर्ड पावर है वो अपने आप ही सहायता करने लगती है, हमें वो रास्ता दिखा देती है। बस बिल्कुल है ये, अपने को इसीलिए शुद्ध करना, पवित्र करना। बिल्कुल पांडे जी, ये विश्व तुमिका सिद्धि की, ये सिद्धियों की जरूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है, आदमी को इच्छा नहीं होती है। देख, नहीं मैं जो पढ़ा पतंजलि में पढ़ा, विभूति पाद में लिखा हुआ है, ये सब आ जाते हैं, आप आ आ जाते जाते हैं। अब इसका जब दुरुपयोग या वो कुछ सदुपयोग तो ये करता है कि वो अपने मार्ग में आगे जाने के लिए, कि भाई हमें ईश्वर के मार्ग में जाना है, और दुरुपयोग ये कि संसार में आने के लिए। तो देखिए, हम मैं जिस सौंदर्य लहरी की बात कर रहा हूं, वहां पर दोनों ही रास्ते हैं, भोग भी है मोक्ष भी है। हम संसार में स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, बिल्कुल हम संसार में समृद्धि भी चाहते हैं, वेद भी इस तरह की स्तुति करते हैं। तो बार बार जो एक स्वामी दयानंद को बहुत बड़ा प्रिय था मंत्र लिखा हुआ है, वो इसका एक सूत्र है। ये तो स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावनानी मनीषाम आयुः प्राणम, ये क्या क्या मिलता, आयु प्राणम प्रजाम पशुम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा वृजितः ब्रह्मलोकम्।
आयु प्राण द्रविड़ धन सब कुछ प्राप्त होने के उपरांत साथ साथ भगवान मुझे ब्रह्म की ओर अपने ले चले, ये वाह बहुत सबका अच्छा, सदुपयोग है, सबकी सबकी आवश्यकता है अपनी जगह, सबका अपना अपना महत्व है, ऐसा ये इस है सौंदर्य लहरी में भी, श्री देवी का भी पास। और ये नहीं कह सकते कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। नहीं अगर ये देखा जाए तो हर एक की अपना ना स्टेज होती है। जब कोई व्यक्ति क्लास पहली दूसरी का, कोई पीएचडी कर रहा है, जैसे जैसे जिसकी अपने पात्रता बढ़ती जाएगी वो अपना आगे बढ़ता जाएगा भाई उसके कोई हिसाब पैदा हुआ विवेकानंद के रूप से। में, कोई पैदा हुआ दयानंद जी के रूप में, कोई पैदा गुरुदेव, कोई पैदा हुआ रामदेव जी, कोई पैदा हुआ श्री नरेंद्र मोदी, तो अलग अलग रूप में सब लोग आए हैं, और हम जैसे भी हैं साधारण लोग हैं, अपना चल रहे हैं, सब काम चला रखा है ये। तो चलिए फिर आदरणीय बागी शर्मा जी, हाँ बिल्कुल बागीश जी बात सुने। वागीश जी के लिए आपने किसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है तो क्या बोले। नहीं वागीश जी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वागीश वागीश का अगर इंतर लगा लो तो वागीश का तो सारी अपना उपासना ही वाणी की है। सारी सिद्धियां हैं, जब सब समस्त सिद्धियां आपके पास हैं तो उन सिद्धियों को। चलिए चलिए, जी सर जी सर जी सर। तो वैसे तो जो इतनी देर वो तो जो उद्बोधन रहा पांडे साहब का वो तो अलग है, उसके बाद का जो ये एनालिसिस चलता रहा। देखिए मेरे नाम के उद्घाटन, मेरे नाम का उद्बोधन होते ही देखिए चौधरी साहब ने भी अपना माइक कैमरा खोल लिया है, दर्शन दे दिए हैं। प्रणाम चौधरी साहब। तो प्रणाम प्रणाम। वास्तव वागीश जी में को कौन नहीं, वागीश जी को कौन नहीं सुनना चाहता है, बताइए। जी सर जी सर जी सर। तो वास्तव में पांडे साहब, ये शंकराचार्य जी ने जो 103 श्लोकों में माँ की उपासना की है, उसके उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो शरीर के विभिन्न अवयवों को कैसे हम मेंटेन करें, उसके लिए ना केवल मेरे ख्याल से आराधना बल्कि योग के साधनों को भी की भी उपयोगिता उन्होंने धीरे धीरे इसमें बतलाई है, सब में बतलाई है ऑलमोस्ट एक तरह से। हर हर एक, चाहे वो हमें तेज चाहिए या हमारी मेघा अच्छी हो या फिर हमारा ज्ञान अच्छा हो, एंटीबायोटिक्स हैं मतलब एक तरह से हर एक, उसके लिए कोई ना कोई किसी श्लोक में किसी चीज के लिए वृद्धि हो रही है, किसी से किसी की उपयोगिता हो रही है। और अभी तो हम प्राइमरी स्टेज में है सर, अभी तो अरविंद भाई साहब हो या देवऋषि जी हो या चौधरी साहब हो, अभी पांडे साहब हमें ना जरा ना, वो कहते हैं ना शुरू शुरू में जैसे अंग्रेजों ने चाय पिला पिला के लोगों को आदत डाली थी, अभी जब धीरे 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 देखिए यही जो पांडे साहब मुस्कुरा रहे हैं ना, ये जब इसकी गूढ़ उसमें जाएंगे ना तब तो आनंद आएगा और बहुत आनंद आएगा। और हम चाहते हैं कि शंकराचार्य जी के जो ये सभी स्रोत हैं, इनमें जो माँ भगवती की जितने भी रूपों में या जितने भी ढंग से उनकी स्तुति की है, उनमें कितने श्रेष्ठ स्पर्श या गंभीर हैं, ये सभी तरह के विचार हैं, ये सभी तरह के उनके जो एक्सप्लेनेशंस आएंगे उनका सब हम बिल्कुल आतुरता से उनका स्वागत करेंगे, इंतजार करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार पांडे साहब। आप धन्यवाद। बागी जी आपने ये कहा कहाँ तक ले जाएंगे। आज मैं अपना एक मन में दोपहर को विचार आ रहा था तो मुझे स्वागत लगा है, कि स्वागत जो है। हाँ पांडे जी या अरविंद जी दोनों हो सकता है, अरविंद जी के इसके इस पे कुछ और अपना रिएक्शन दें। आज मैं दोपहर में सोच रहा था कि अब शायद क्षमता खत्म हो गई, अब और अब्जॉर्ब नहीं किया जाता, पता नहीं क्यों आया मेरे मन में, हो सकता पांडे जी इसका उत्तर दे सके। क्या आज मेरे में ये आभास हो रहा था तो अब और नहीं, अब बहुत हो गया, अब और क्या अंदर लूं मैं, अब इसका तात्पर्य क्या है, मैं अभी नहीं समझ पाया, इसका मैंने एनालिसिस नहीं किया, लेकिन आज लग रहा था कि बहुत हो गया, अब इसका तात्पर्य आप बता दीजिए। अब हो सकता पांडे जी भी बता दे, अरविंद जी भी बता दे, नहीं, मनोज पांडे जी बता दे। वागीश जी के पास में है ना वो मनोज कुमार का गाना, बस अब और नहीं, बस और नहीं, कौन सी फिल्म का गाना था वो? और नहीं है बस, और नहीं गम के प्याले, और मैं तो नहीं। जो समझ रहा हूं इस समय एकदम जो मेरे दिमाग में आया, पांडे जी जरा मुझे बताइए, सच सच कह रहा हूँ, अब मैं मैं सकता बता हूँ रहा हूं दे, कि आप, और अब और आवश्यकता हम नहीं। लोग तो नाव में बैठे हैं अपनी नाव और नदी पार कर रहे हैं भवसागर को, आप किनारे पहुंच गए हैं, इसलिए आपको उस नाव की जरूरत नहीं है, आप उसके नाव से उतर गए हैं, तो अब और नहीं, सच बोल रहा अब हूँ मैं, और नहीं। ये मेरी आज मैं दोपहर को ये सोच रहा था, मैं कह भाई अब होता, अब
अब क्या अंदर लूं, मैं समझ नहीं पड़ नहीं रहा। वो तो गया ना, आप उस किनारे दूसरे अमृत सागर के दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं, भवसागर पार करके। अब आप उस नाव से जिसमें हम कर्म की नाव में लगे हैं उससे आप उतर गए हैं, बस और नहीं है, आपको जरूरत नहीं, नहीं नाव कहीं तो तो चले हूँ, जाता। लेकिन कहीं तो हूँ ना, हूँ तो इसी संसार में ही ना। वो तो ठीक है, अच्छा है, उसमें संसार में रह के भी देखिए, मेले में अकेला, अकेले में मेला, तो अकेले में मेला आप अनुभव कर रहे हैं और मेले में हम सब में होते हुए भी अकेले हैं, और क्या चाहिए इससे बढ़िया नहीं, बात। वो तो मैंने एक कविता लिखी थी, दुनिया इस जहां मैं रह के भी ना रहता हूँ जहां में मैं, एक मेरी कविता है बस यही वो। चाहिए, ये स्थिति है आनंद की। आप तो हम लोगों के बीच में इसलिए आते रहे कि हम आपसे प्रेरणा लेते रहे सब, बस। नहीं प्रेरणा नहीं है, लेकिन अब्जॉर्ब तो कर ही रहा हूँ, लेकिन वो भर गया लगता है कुछ इसको, जा कुछ वो जा। आनंदमय लगता है कोई ना भरता ही, तो आनंदमय इतने जब, वो तो सुधा सिंधोर मध्य अमृत का सिंधु है, सागर की कोई और छोर नहीं। थोड़ा कचरा निकाल निकल जाए, बाकी इसलिए जगह बनती बने बनेगी और है। बढ़िया, कोई सागर की और छोर नहीं। देव चलो ऋषि जी, ठीक, 24 तारीख को ना वो है जो सांस्कृतिक संध्या है ना, उसमें आप जरा ये वाला मेले हाँ ये अपनी में आपने अकेले गजल अकेले में सुनाई। मेले वाली कविता को जरूर अच्छा सुनाए। 24 तारीख को संगीत संध्या। अब अरविंद जी ने कहा कि आखिरी रविवार जो ऑलमोस्ट हुआ करेगा, रविवार को रखा करेंगे संध्या, जिससे कि किसी को ये एक्सक्यूज ना, जी मैं रास्ते में हूँ, मैं लेट हो गया। इस बार चौबीस आपका चौबीस स्वागत रहेगा। अरे चौबीस तो मेरे बेटे की एनिवर्सरी है, शादी की एनिवर्सरी है। वाह अरे तो बहुत क्या बात सुंदर, है, तो वहीं वहीं से लाइव ज्वाइन कर लेना, हम भी कर लेंगे बल्ले बल्ले। जी ठीक ठीक ओके जी सर, धन्यवाद जी आदरणीय अरविंद भाई साहब, पांडे जी, धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं आज का विचार। यदि हर कोई आपसे खुश है, यदि हर कोई आपसे खुश है, तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, बहुत बहुत से समझौते किए। समझौते किए हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है, तो निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। और यदि आप सबसे खुश हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं, तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे और हैं। यदि आप सबसे खुश हैं, तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। ये बहुत 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 जायजा, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अरविंद जी, ये जो आपके शाम का संदेश है ना, इसे सुबह को भेज दिया कीजिए। नहीं, ये जो दो संदेश भेजते हैं दो ग्रुप हाँ में अलग अलग, बहुत शानदार संदेश भेजते हैं, वो पढ़ता जी रहता चलिए, है, बहुत अच्छे। आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। ओ शांति शांति शांति, सभी को सभी प्रणाम। को प्रणाम।